गाइज वेलकम बैक टू अर्चना कुक हाउसवाइफ में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाए देखिए पूरन पूरी, जो कितना सॉफ्ट मुलायम और खाने में इतना टेस्टी रहा है इसकी बता नहीं सकते। बहुत ही खूबसूरत खाने में लग रहा, पूरे भरे भरे पतला पतला एकदम खस्ता मुलायम बहुत सुंदर लग रहा। तो देखिए आप को मन उब गया रोटी खाते खाते, तो जरूर बीच बीच में बनाते रहिए और खाने में बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं देखिए, बनाना शुरू, पहले एक कटोरी दाल लिए हैं, तो उसको थोड़ा देर पानी में फुला दिए थे, भिंगा दिए थे, फिर उसको पानी देकर उबाल रहे हैं कुकर में। एक दो सीटी मारने के बाद उबल गया, अब इसको छान लिए वो पानी से और फिर इसको कढ़ाई में डाल दिए बिना तेल उल दिए और थोड़ा सॉफ्ट कर लिए। और इसमें एक कटोरी, अगर आपके पास दाल है तो आधा कटोरी गुड़ डालिए, गुड़ जो मीठा शक्कर गुड़ होता है, तो गुड़ डाल दिए और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें मिक्स करने करते करते इसमें थोड़ा सा नमक दिए और थोड़ा सा चीनी डालना पड़ता है क्योंकि टेस्ट और ही बढ़िया होता है गाइस अगर चीनी थोड़ा सा, और अजवाइन दिए हैं थोड़ा सा और थोड़ा काली मिर्च दे दिए और थोड़ी सा जीरा पाउडर देंगे। तो सब चीज़ दे करके और इलायची, इलायची 3 इलायची कूट कर और उसका अंदर का सीट निकाल कर दिए, तो अच्छे से सूख गया है। अब इसको भरने के लिए तैयार है। अब आटा सान रहे हैं, आटा में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी तेल जो भी है आपके पास डाल दीजिए, तो मिला लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको डो बना लेंगे, गेहूं का आटा का है तो डो बना लेंगे, रोटी जैसा डो बनता है उसे। उसके बाद इसको गोल 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 पेड़ा काट लेंगे, फिर उसमें भर भर के और ऐसे करके उसके बाद पतला पतला बेल के बनाते जाएंगे। तो गाइज गरम गरम खा रहे थे, बनाते जा रहे थे, सिंगर ही नहीं रहा था, तो सिंगारने के पेड़ा में पीर समय ज़्यादा लग गया, इसलिए वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया। तो गाइज देखिए, और खाने के लिए बैठे ले जा जाके खाना में दे रहे हैं और बना भी रहे हैं झट झट, तो कोई ज़्यादा अति हो जा रहा है, खर हो जा रहा है, लेकिन गाइस बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। हम तो बनाते हैं बराबर, खाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे रोटी खाते खाते आप चेंज करना चाहते हैं या लिट्टी या सब चीज़ खाते हो गया, तो थोड़ा थोड़ा चेंज हफ्ता में करना चाहिए एक दिन, तो उसके लिए बहुत अच्छा है गाइस। और अभी देने जाएंगे सबको खाना, आपको ये बनाना पड़ता है दिखाने के लिए, क्या बोलता है इसको, शॉर्ट में डालते हैं तो उसमें थंबनेल दिखाने के लिए जमा करना पड़ता है 5-6 गो, तो जमा करके फिर उसका थंबनेल बनाने के लिए दिखाएंगे। गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है, समझिए कि अकेले एकदम, मतलब एक तो बनाना जैसे तैसे, कैमरा सही से नहीं होता है तो कभी कुछ नहीं होता है, इतना परेशानी होता है, फिर भी बनाते हैं गाइज, बनाते हैं एकदम परेशान परेशान हो जाते हैं। और व्यू जो लाइक करिएगा प्लीज़ गाइज, कमेंट भी कीजिएगा, थैंक यू गाइज।